नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, जीवंत आहार को पुनर्बार आपण मानक स्वागत जनाए। आसंतु आज ध्यान निम्ते पवित्र बाइबल गीत संहिता 68 अध्याय 19 पदरु 35 पद पर्यंत पाठ करिबा। आज मुख्य प्रसंग परमेश्वर शक्ति एवं महिमा को प्रचार कर। एठारे ए प्रकार लिखा जाए, जो प्रभु दिन कु दिन आंभ मानकर भार बहन करती से धन्य हेतु। से ही परमेश्वर आंभ मानकर परित्राण, परमेश्वर आंभ मानक पक्षरे उद्धार साधक परमेश्वर अटंती, मृत्युरु रक्षा जेहोवा प्रभुंकर अधीन। मात्र परमेश्वर अपना शत्रु मानक मस्तक और जो निज निज अपराधरे अग्रसर ताहार केशयुक्त कपाल बिंधि पकाइबे। प्रभु कहिले आंबे बासनरु पुनर्बार आणिबा, आंबे समुद्रर गभीर स्थलरु पुनर्बार सेमानंकु आणिबा। तहिरे तुम्भे रक्तरे अपना चरण बुडाइबो, तुम्भ कुकुर गणर जिह्वा तुम्भ शत्रु मानक ठारु अंश पाइबो। हे परमेश्वर, लोकमाने तुम्भर गति अर्थात पवित्र स्थानकु आंभ परमेश्वर आंभ राजांक गति देखिअछन्ते। दाराबाद्य वादिनी कुमारी मानंक मध्यरे गायक माने आगे आगे, वाद्यकर माने पछे पछे गमन कले। तुम्हे माने जनसमागम मध्यरे परमेश्वरंकर धन्यवाद कर। हे इस्राएल रो निर्झररु जात लोक माने, तुम्हे माने प्रभुंकर धन्यवाद कर। कनिष्ठ बिन्यामिन समानंकर शासनकर्ता जिहुदार अधिपति माने ओ समानंक लोकदल सबलून रो अधिपति माने, नप्ताली रो अधिपति माने सेठारे अछंती। तुम्भ परमेश्वर तुम्भ बलर आज्ञा करिअछंती। हे परमेश्वर, तुम्भे आंभ मानंक निमते जहा साधन करिअछ ताहा सबल कर। जेरुसालमस्त तुम्भ मंदिर सकाशु राजगण तुम्भ निकटकु दर्शनी आणिबे। नल बणस्त वन्य पशुकु गोष्ठी वर्ग रूप गोवत्सगण सहित वृक्ष समूह को भर्सना करी रौप्य खंड सबु पद तले दली पकाओ। से युद्धप्रिय गोष्ठी वर्ग को छिन्न भिन्न करिअछन्ते। मिसर देशरु अधिपति माने आसिबे, कुश परमेश्वरंक प्रति हस्त प्रसारिबाकु चंचल हेब। हे पृथ्वीस्थ राज्य समूह, तुम्भे माने परमेश्वरंक उद्देश्य रे गान कर, प्रभुंक उद्देश्य रे प्रशंसा गान कर। जे अनादिकालीन उच्चतम स्वर्गरे आरोहण करते ताहांक उद्देश्य रे गान कर। जे आदिकालीन उच्चतम स्वर्गरे आरोहण करते ताहांक उद्देश्य रे गान कर। देख से अपना रोब विक्रमपूर्ण रोब उच्चारण करते। तुम्भे माने परमेश्वरंक पराक्रम कीर्तन कर, ताहांक महिमा इस्राएल उपरे ओ ताहांक पराक्रम आकाशमंडल रे रहिअछि। हे परमेश्वर, तुम्भे अपना पवित्र धामरे भयंकर अट। इस्राएल रो परमेश्वर अपना लोकमानंकु बल ओ पराक्रम दियंती। परमेश्वर धन्य हेउंतु। प्रिय दर्शक बंधु, आसंतु आजिरो पठित शास्त्रांश को बुझिबाकु चेष्टा करिबा। परमेश्वर प्रतिदिन आम्भर भार बहन करते। परमेश्वर हेउछंती आम्भर प्रभु, जी आम्भकु मृत्युरु रक्षा करते। गीतरचक सियोन पर्वत उपरे थिबा तांको अभयारण्य आड़कु परमेश्वरंक गमनागमन विषय वर्णना करते। तापरे गीतरचक ईश्वरंकु सियोनरु निजर शक्ति प्रकाश करिबाकु एवं समस्त देश उपरे शासन करिबाकु विनती करते। से दिनर आगमन पाई से निवेदन करती, जेतेबेले परमेश्वरंक शत्रु माने परमेश्वरंक मंदिर उपरे दृष्टि रखिबे एवं विभिन्न उपहार नै ताहांक सम्मुख को आसिबे। परिशेषरे गीतरचक जगतर समस्त लोकमानंकु परमेश्वरंक महिमा और शक्ति पाई ताहांक प्रशंसा करिबा निमन्ते आमंत्रण करते एवं परमेश्वरंकु प्रशंसा करते, जिए ताहांक लोकमानंकु शक्ति एवं पराक्रमरे आशीर्वाद करते। आजिर शास्त्रांशरे ईश्वर निजकु कि प्रकार प्रकाश करते, आसंतु प्रियमाने देखिबा।
19 ପଦରୁ 24 ପଦ ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାର ବହନ କରନ୍ତି ଓ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ତରଫରୁ ଆମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି କେଉଁ ଭାରି ଭାର ବହନ କରୁଅଛି? ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଭାରି ଭାରକୁ ଥୋଇଦେବା। ଆମକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ପକାଇବା। ଆସନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। 25-32 ପଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାର ସାଂସାରିକ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଅନାଥମାନଙ୍କର ପିତା, ବିଧବାମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାକାରୀ, ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଏକାକୀ ପରିବାରର ସେ ପରିବାର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜଗତ ତୁଳନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାକୁ ବୁଝନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନୁଗ୍ରହ କର ଯେପରି ଆମେ ତୁମରି ଶକ୍ତି ଓ ତୁମରି ପରାକ୍ରମକୁ ଓ ତୁମରି ମହିମାକୁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍।